सो वेलकम गाइस। एंड आज मैं विपसना केंद्र आई हूँ। मैंने अप्लाई किया था 10 दिन के कोर्स के लिए। सो मैं विपसना केंद्र में अंदर आई हूँ मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए। एंड ये रही उसकी बिल्डिंग, जो कि बहुत रॉयल मुझे दिखती थी पहले भी और आज भी। तो चलिए अंदर का व्यू देखते हैं। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर है, मुझे रूम यहाँ पे अलॉट हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग ऊपर जा रही हूँ। एंड नोबल साइलेंस का यहाँ पे रूल चलता है, मौन रखना है, कुछ भी इशारों में किसी तरह से नहीं बात करना है। अगर और बात भी कर सकते हैं तो सिर्फ आप अपने सेवक से बात कर सकते हो, जो आपके लिए हायर किए हुए हैं यहाँ पे, जो आपकी सेवा में तत्पर हाजिर रहते हैं। एंड ये पूरा व्यू दिखता है, बुद्ध स्मृति पार्क बिल्कुल बगल में है। एंड यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह भी लगी हुई है, तो आप देख रहे हो। सो इंटीरियर की बातें तो बहुत हो गई, यहाँ का बहुत अच्छा इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों है। अब आती हूँ यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन पे। तो यहाँ का रूल है गाइस, 10 दिन तक फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ये फ़ोन यहाँ पे जमा हो जाएगा, जो ऑर्नामेंट्स वैल्यूएबल चीज़ें जो आपके पास हैं वो सब यहाँ पे जमा हो जाएंगी। प्लस आपको टाइम टेबल का बहुत कड़ाई से पालन करना है, कुछ उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एंड आपको मौन, 10 दिन का मौन भी रखना है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना है। एंड ये रहा मेरा रूम, रूम नंबर 28 मुझे अलॉट हुआ था। तो ये रहा मेरा रूम। एंड शायद कोई है या नहीं, शायद है, हाँ है। तो इनके साथ मेरी शेयरिंग हुई थी। ये मेरा बेड है। एंड यहाँ पे उसका अलग साइड है, मेरा अलग साइड है। पूरा व्यू मेरे बेड से, ये पूरा बुद्ध स्मृति पार्क का व्यू दिखता है। ये कार्ड मुझे अलॉट हुआ है यहाँ पे, इसमें मेरा सारा डिटेल है। एंड चूँकि मैं न्यू हूँ यहाँ पे, तो मुझे ग्रीन कार्ड मिला था। एंड जो मैंने देखा, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो पहले भी यहाँ आ चुके हैं या कहीं और से भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वाइट कलर का कार्ड मिला था। तो ये चीज़ें हैं, बाकी और देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो मुझे मोबाइल 4 बजे तक सारा जमा कर देना है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी ये व्यू मुझे बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए भी बोला गया है कि आपको पर्दे हटाने नहीं हैं 10 डेज, और ये वाला रूल फॉलो करना है। ये हमारा टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। 4 बजे किसी भी कीमत पे उठ जाना है, रूम की सफाई खुद ही करनी है, ईच एंड एवरी थिंग आपको खुद ही करना है। तो ये इन सब चीज़ों का आपको साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, लाइट्स ऑफ होने चाहिए वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को हमें नीचे बता दिया गया है। अब मैं जा रही हूँ मोबाइल जमा करने। हे गाइस, हाय। सो आज 11वां दिन है। यहाँ पे विपसना सेंटर में मेरा कंप्लीट हुआ, और सुबह के 4:15 हो रहे हैं। मैं नहा धो के धम्मा हॉल में जाने को रेडी हूँ। धम्मा हॉल है जहाँ पे हम मेडिटेट करते हैं, विपसना करते हैं, साधना करते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, अभी चल भी रहा है। और ये जगह इतना पीसफुल होता है, खुद ही वाइब्रेट होता है, अब एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। वहाँ अंदर जाते ही आंखें बंद हो जाती है, दो दो तीन तीन घंटे पाँव नहीं खुलते हैं, क्रॉस लेग करके लोग बैठे होते हैं। एंड मैं बता नहीं सकती हूँ कितना हल्का फील हो रहा है। पूरे 10 दिन के कोर्स में बहुत कुछ सीखा है मैंने, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, करीब 50-60 लोग हैं, आधे से ज़्यादा तो हमारे यूथ जनरेशन वाले लोग हैं। एंड एक टाइम टेबल सा बंध गया था, लाइक 10 बजे, ये 4 बजे बेल बजती थी, आपको बेल भी सुनाई दे रहा होगा एक छोटा सा क्लिप में। 4 बजे बेल बजती थी, 4:15 में फिर बेल बजती थी, और जब तक आपकी नींद ना खुल जाए तब तक बेल बजती थी। इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा बेल था, क्योंकि उठना था ना। यही बेल जब लंच के लिए बजती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो इट्स डिपेंड टोटली डिपेंड अस कि हम किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। एंड क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा इसका एक अपना पॉजिटिव वाइब्स है। गुरुजी, आचार्य जी, गोयनका सर जो भी कुछ बताते हैं, जिस तरह से बताते हैं, वो सब काफ़ी हमारे लिए आगे चल के यूज़फुल रहेगा। हम इसको अगर अभ्यास के तौर पे करते रहते हैं तो, और जो चीज़ है, जो धर्म के बारे में बताया गया है, मेरा तो डेफिनेशन धर्म का बहुत अलग था, बट अब नाउ अडेज आई फील
नहीं, धर्म कुछ है, कुछ अलग है, तो वही चीज़ है। इसके बारे में आप भी जानोगे। इसके कोर्स हैं, मेरे जो विपसना है उसका कोर्स है, 10 डेज का कोर्स है। एंड यू विल फील, टॉपिक वाइज है, लाइक फर्स्ट 3 डेज आनापाना, एंड फिर उसके बाद संवेदना, फिर प्रज्ञा, फिर वो चीज़ें कंटिन्यू हैं। तो ये चीज़ें समझनी होगी वर्ड बाय वर्ड, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे अपने जहन में उतारना होगा। धारा प्रवाह टाइप का एक में खुद के अंदर सेंसेशन फील करना होगा। मतलब बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम जो चीज़ यहाँ पे करने आए हैं वो चीज़ में, अगर वही चीज़ में ध्यान लगा रहेगा तो इट्स वेरी इजी फॉर अस। तो वो चीज़, एंड सेकंड कि थोड़ी तकलीफ होती है, पैर दुखते हैं, कमर दुखता है, पीठ दुखता है। 4 बजे उठना सबके लिए बहुत इजी नहीं होता है, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मैं घर पे भी उठती थी, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट हाँ, मैं उठूँ या कोई और उठे, सबके लिए एक ही टाइम था। 3 टाइम का एक खाने का ब्रेक होता था, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक होता था, है 1-1 घंटे के बाद। एंड बहुत शुरू के 3 दिन ऐसा लगा यार कहाँ आ गए, कहाँ चलो यहाँ से, बट नहीं, एक संकल्प टाइप का होता है कि नहीं, आए हैं तो करना है, कोई ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। मेरे जैसे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, मीन्स मैंने देखा 60 ईयर के एक बाबा भी आए हुए हैं, वो भी जमीन पे बैठ रहे हैं, आसन पे ग्रहण कर रहे हैं, पैर बिल्कुल नहीं फोल्ड कर रहे हैं। तो ये भी था, तो वो चीज़ है, देखने सुनने वाली चीज़ है। आगे और भी चीज़ें बताती हूँ, लोगों का रिव्यू देती हूँ, लोगों से बात करती हूँ। तब तक पूरा इंटायर वीडियो देखिए और इसको कोशिश करिए ज्वाइन करने की। सो गाइस, रात में ही हमें फ़ोन मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और मैं वीडियो बना लूँ। तो मैं अभी किचन मेस में आपको दिखा रही हूँ, ये हम फीमेल का है, इधर बॉयज़ को आना अलाउ नहीं है, ना ही गर्ल्स को बॉयज़ के साइड जाना अलाउ है। ये किचन का एरिया है एंड अंदर जाना अलाउ नहीं है। सो अभी मैं मेडिटेशन के लिए निकल रही हूँ, ऊपर की तरफ जा रही हूँ। एंड ये रहा हमारा मेडिटेशन हॉल, जिसे धम्मा हॉल कहते हैं। शांति, पीसफुल, अलग ही वाइब्रेशन है यहाँ का, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स। एंड अपने रूम से रात का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा लगता है, ये शांति स्तूप की जो लाइटनिंग होती है वो कैसा लगता है। तो ये पूरा मैं अभी, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो व्यू के बाद अब आती हूँ ये बेल पे। माय गॉड, ये जब बजता है तो भाई नींद तोड़ के ही रहती है। ये जगह जगह सीलिंग में साउंड बॉक्स लगे हुए हैं और बेल हमें सुनाई देता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ये सुबह का हमारा नाश्ता रहा, आज हमारा लास्ट डे है, तो आज पूरी सब्जी खीर, ऐसे डेली खाना बहुत अच्छा होता है, बिना लहसुन प्याज का खाना होता है और बहुत ही हाइजीनिक होता है, बहुत अच्छा होता है। सो हाई गाइस, हेयर वी हैव वन फॉरेनर साधक, जो मैं उनसे एक्सपीरियंस लेती हूँ कि उन्हें कैसा यहाँ पे लगा, यहाँ धम्मा हॉल में कैसा फील हुआ और उन्होंने कैसे यहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया, आइए उनसे जानते हैं। सो हाय अलिंडा। हाय एवरीवन। हेलो। सो हाउ यू फील हियर, लाइक द रूल रेगुलेशन इकोनॉमिक्स, व्हाट यू से अबाउट दिस? सो टू मी दिस विपश्यना एक्सपीरियंस वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, गिविंग वंस सोवरेनिटी बैक। So, trying to feel and to understand all our producing in our life. So, we were thinking so far that misery was coming because of some people, because of some outer situation. And there you understand that it is generated from within, from your sisters. Now it feels that this machine, this mechanism, should be engineered. Very so, true, very true. You are right. And do you feel equanimous during Vipassana? Yes. So there you want, you learn that actually you should not choose
only one side, because as soon as you choose one side, there is no equilibrium anymore. Yeah. So if you choose only joy or only happiness or only feelings, sensations of pleasant sensations, if you only choose those pleasant sensations and you are fighting all the other sensations which are unpleasant, there you are no more in equilibrium. Yeah. So when you observe, same here, that time I also observed from my third eye that what's the sensation going yes. through on my body, that's why. Yeah. And do you feel any tough situation regarding like rule regulation to maintain their No, I was feeling so much of freedom here. Like 4 a.m. You have to wake up and doing your whole... No, it was something, the energy of the place was taking you and bringing you into a journey. So it was feeling that we were all sitting like in a spacecraft and going for a beautiful journey. Seriously, and, huh? Yes. गाइज मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी साधिका है और इस जो धर्म है इसको बहुत अच्छे से ये गाइड करती हैं, बहुत अच्छे से इसको पालन करती हैं और बहुत पुरानी साधिका रह चुकी हैं। ये अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई हैं, वो बॉयज सेक्शन में रुके हुए हैं एंड इनसे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटिफुल स्टफ दैट यू गिव मी, दैट अ वंडरफुल। And thank you so much to India for that spirit of openness and welcoming and so simple. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you. Thank It's you. All our Indian pleasure that you came here and you learned these all things. Such a pleasant surprise for us. Thank you. See you. Hi friends, ये हमारी server रही हैं और touch wood ये इतनी अच्छी हैं। नहीं बहुत अच्छी है, मेरी बहुत इन्होंने हेल्प की है ड्यूरिंग दिस। एंड आंटी आप बताइए, आपको यहाँ 20 साल से यहाँ साधिका बनी हुई है, विपश्यना कर रही है, 20 साल पहले की थी। हाँ, तो आप कैसा तो फील करती है? लोग जीवन जीने की कला है और हर कोई करे, एक पसी को आओ देखो तब समझेंगे ये क्या चीज़ है। हाँ, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छे से हमारे पूर्वज लोग यहाँ पे बना कर गए हैं और इसको मेंटेन कर रहे हैं और आंटी लोग इनको संभाल रहे हैं। सीरियसली तो बहुत प्यार दिया है, सब सबको बहुत प्यार दिया है। मेरी ड्यूटी थी बट जो स्नेह, हाँ जो स्नेह आपसे मिला है उससे हमें और शक्ति मिली है करने के लिए कि हमारे पास कोई है यहाँ सीखने के लिए। तो वो चीज़ था, वो बहुत अच्छा लगा। कैसे परिवार में हम ये चीज़ है? हाँ बिल्कुल, परिवार जैसा यहाँ आपने माहौल बना के रखा है परिवार में ही, मेरी यही बिल्कुल। हाँ तो वो स्नेह आपसे मिला है, थैंक यू। सो यहाँ पे एक अध्यापिका जी भी आई हैं, नवोदय स्कूल की टीचर हैं, तो इनसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग मतलब 4 बजे आई कांटेक्ट करते थे, बात नहीं करते थे। ये काफ़ी कष्ट में भी रही, बॉडी पेन वगैरह हुआ, लेकिन बट इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया चीज़ों को, बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि ये ओल्ड हैं तो इनको भी लगा कि जो नए आए हैं उनको देख कर वो हमसे सीखे, वो जाने। तो इनसे तो भाई हमने बहुत कुछ सीखा, अब इनसे जानते हैं कैसा लगा। हाय नमस्कार। तो क्या है कि ये जो विपश्यना मेडिटेशन है, मैं यही बोलूँगी कि जो भी यहाँ से आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, लेकर तो बहुत कुछ जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम टेबल है, ईटिंग का टाइम है, मेडिटेशन का टाइम है, 10 घंटे बैठना है, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, पर एट द एंड ऑफ द 10th डे लाइक आप लोग ऐसा फील करोगे कि मन का सारा बोझ हल्का हो गया, यू विल फील लाइट। मतलब बोलते हैं ना कि आपको जीवन जीने की कला मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली कि सबको ये विपश्यना मेडिटेशन करना चाहिए। गुड, ऑल द बेस्ट। सो इनसे तो मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। एक और दीदी हैं जो मैरिड हैं, ये भी मैरिड थी, और जो एक और हैं मैरिड हैं, उनसे भी मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो उनसे बात करते हैं कैसा लगा, बताइए दीदी। नाम क्या है आपका? मैं नमिता, और ये झारखंड से आई हैं यहाँ पटना में। वो दीदी भी झारखंड से आई थी, रांची, और ये भी आई हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको, आप तो पुरानी हैं स्टूडेंट, 3 साल बाद जागा है आपका फिर। मुझे विपश्यना करके बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। मैं चूँकि पहले भी ये कोर्स कर चुकी हूँ और ये कोर्स करने के बाद से मैंने ये अभ्यास जारी रखा है, और उसके बाद से जीवन में इतना कुछ परिवर्तन आया और जैसे जीवन जीने की कला हाथ में पा गई, और वो इतना अंतर पहले से और अब में आने लगा कि अब ये छोड़ने का ही नहीं है, पूरा लाइफ ये अब हमारे साथ रहने वाला ऐसा है। तो ये साधना हर किसी को करना चाहिए, यही मैं सबसे कहती हूँ। और
थोड़ा 10 दिन पहले आने के लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। एक बार अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे जाना है, और किसके लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के अच्छे के लिए, अपनी पीसफुल लाइफ जीने के लिए, शांति के लिए, तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो एक बार डिटरमाइन करके जरूर आइए और विपश्यना करके देखिए कि कैसा लगता है। मंगल हो भाई। इनको इन सबको देख के तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। पहले तो आने टाइम लगता था कि क्या होगा, कैसा होगा, ना फ़ोन ना कुछ, बट देखो ये मैरिड लाइफ भी जी रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ की देख रही हैं, सब कुछ कर वर के कि 10 दिन में मेरा क्या क्या काम होगा वो सब करके आए हो ना आप। इनके बच्चे क्या खाएंगे क्या पियेंगे सब पूरा डिटेल बना के आई हैं, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिया है। गाइस मेरा 10 दिन का विपासना जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। आज 11वां दिन है, आज मैं घर चली जाऊंगी। बस यही कहना चाहूंगी, आप एक बार आइए, इस कोर्स को ज्वाइन करिए, मेडिटेट करिए, सीखिए, आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा, जो लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग है वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरी तो मैं तो यही कहूंगी कि आप भी आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी भी तरह का आपको कुछ भी नहीं पे करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, खाना पीना रहना, आपको शिविर में बस ध्यान देना है, एंड यहाँ बुक्स भी मिलेंगे, उसको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, समझने वाली चीज़ है, धर्म क्या है, धर्म को कैसे फॉलो करते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे पता चलती है। तो बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं, तो मैं तो पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल में बहुत अच्छा रहा है। आप भी इससे इंस्पायर्ड हो सकते हो, एक बार आइए ज़रूर। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ कुछ नया चीज़, और देखते रहिए मेरी वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल निशा नन्नी फ्लैट एडिटी एंड हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू, नमस्ते।